नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ नेहा त्रिपाठी। और बिहारी क्विज जीएस रिसर्च सेंटर को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरें मिलती हैं इस न्यूज़ चैनल पर। जानिए विज्ञान विषय को कार्टून से पढ़ेंगे छठी से आठवीं तक के विद्यार्थी। हमीरपुर जिले भर में 4 शिक्षा खंडों में टीवी डिवाइस चलाने के लिए जिला भर में 4 शिक्षा खंडों में बिजलीड़ी गलोड़ और नदौन हमीरपुर में 28 और 29 अगस्त को शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि विज्ञान विषय को कार्टून से पढ़ेंगे अब छठी से आठवीं तक के विद्यार्थी। पीजी बीएड परीक्षाएं फिर स्थगित, शुक्रवार को होने वाली सारी परीक्षाएं स्थगित, क्योंकि भारी बारिश के चलते और लैंडस्लाइड के कारण लिया गया था ये फैसला। 14 और 19 अगस्त, 24 और 25 अगस्त की परीक्षाएं स्थगित की गई थी और विश्वविद्यालय जल्द ही करेगा इनका नया शेड्यूल जारी। तब तक कीजिए इंतजार आप नए शेड्यूल का। मणिमहेश यात्रा के लिए 24 घंटे खुला रहेगा राष्ट्रीय उच्च मार्ग। मणिमहेश यात्रा को देखते और श्रद्धालुओं की को देखते हुए ये लिया गया है फैसला कि 24 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग खुला रहेगा और सभी की छुट्टियां कर दी गई थी वहां पर रद्द। महाउत्सव के तौर पर मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू का दशहरा। दक्षिण अफ्रीका, यूरेशिया और आशियाना देशों से रंगारंग कार्यक्रम पेश करने के लिए कलाकार आएंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। क्लास 3 में टेट की तरह पहले होगा सीईटी। दीपक शानन बोले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और मुख्य परीक्षा ऑनलाइन ही होगी। कर्मचारी चयन आयोग में हर पद के लिए अलग अलग टेस्ट होता था, लेकिन नई एजेंसी अब इसके लिए एक टेस्ट रखेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस पर सीएम सुखू काफ़ी खुश हुए और सेकंड रिपोर्ट के लिए अक्टूबर तक हमें इनका इंतज़ार करना होगा नई दीपक शानन कमेटी की रिकमेंडेशन के लिए। तो अब क्लास 3 में टेट की तरह पहले ही होगा सीईटी। तो रखिए अपनी तैयारी और साथ में बने रहिए बिहारी क्विज जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। पर्सनैलिटी टेस्ट 4 सितंबर से, लोक सेवा आयोग ने किया नया शेड्यूल। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर 4 से 22 सितंबर तक होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के जो बोटनी का 4 से 16 सितंबर और जूलॉजी का 14 से सितंबर से 22 सितंबर तक होंगे ये पर्सनैलिटी टेस्ट। धन्यवाद, बने रहिए बिहारी क्विज जीएस रिसर्च सेंटर के।